पिछले कुछ सालों में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है। इसका सीधा असर एयरपोर्ट के बाहर पार्किंग पर पड़ रहा है। पैसेंजर को लाने जाने के चक्कर में यहां अवैध रूप से भी गाड़ियां पार्क की जा रही हैं, जिससे एक तरफ तो यातायात प्रभावित हो ही रहा है, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा में भी सेंध लग सकती है। प्रधानमंत्री का जो आगमन होना है रांची में 23 सितंबर को, तो उसको लेकर हम लोग अभी काफ़ी अलर्ट है। रांची पुलिस और वरीय पदाधिकारियों के दिशा निर्देश में काफ़ी काम भी हो रहा है इस संबंध में। खास करके जो ट्रैफिक है रांची की ट्रैफिक, वो उसके संबंध में आप देख रहे होंगे कि डेली पेपर में आ रहा है, तो उस संबंध में हम लोग लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं और साथ में जो ट्रैफिक रूल है उसको फॉलो हम लोग करवा रहे हैं साथ। वहीं एयरपोर्ट के पार्किंग स्थल पर काम करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि अवैध पार्किंग से काफी नुकसान हो रहा है। इन्हें रोकने पर ये गाली गलौज करते हैं और मारपीट पर भी उतारू हो जाते हैं। काफी दिक्कत होता है। तो क्या आप उनको मना नहीं करते हैं? वो काम प्रशासन का है, हम लोग मना करने जाएंगे झगड़ा झंझट हो जाएगा, वो लोग गाड़ी लगाएगा, बोलेगा कि ये आपका काम नहीं है, ये फोर्स का काम है। अनलीगल टाइप का लोग गाड़ी आकर के लगा देता है और उसमें हो सकता है अपराधी किस्म का भी लोग रहें बैठे हुए, और उसमें कुछ भी घटना भी घट सकता है, उसमें प्रशासन हम लोग से भी पूछताछ भी कर सकता है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? तो यही चाहेंगे कि प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि गाड़ी कृपया हटाएं वहां से। इधर 23 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची आने वाले हैं, ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से इस तरह के मामलों पर कन्नी नहीं काटा जा सकता, लिहाजा पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों के सहयोग से सुरक्षा के मानकों पर काम किया जा रहा है। आए दिन ट्रैफिक, रांची की ट्रैफिक जो है लोगों की समस्या बनते जा रही है, तो उस संबंध में रांची ट्रैफिक पुलिस जो है संबंध कार्य कर रही है और लोगों को इस ओर जो है सो अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया जा रहा है ताकि आने वाले समय में रांची के लोगों को ट्रैफिक से निजात मिल सके। सर, एयरपोर्ट पर जो अवैध पार्किंग है, सर, एयरपोर्ट पर जो अवैध पार्किंग है उसके संबंध में भी हम लोगों ने कदम उठाया है और जल्द ही इससे भी निजात मिल जाएगी ताकि जो VIP मूवमेंट होती है उस रूट में उसमें कोई तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। बहरहाल शहर के लिए अवैध पार्किंग कोई नई बात नहीं है, लेकिन PM दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और सुरक्षा की मुकम्मल तैयारी कर रहा है।